हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंडअलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सिक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। उडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आरडी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिससे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ
उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंडअलोन सीक्वल है। फिल्म में रागो लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु, सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो
स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंडअलोन सीक्वल है। फिल्म में रागो लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंडअलोन सीक्वल है। फिल्म में रागो लॉरेंस और कंगना रनौत है,
जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में हैं। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाष्करण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता
फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सिक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण
कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंडअलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई
और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिससे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। कोई बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आरडी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिससे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि
तीन साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आरडी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि तीन साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह
22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस कंगना रनौत वडिवेलु सृष्टि डांगे लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सिक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और ठोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर
मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की, होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में रागो लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सिक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। कोई बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2
चंद्रमुखी 2005 का स्टैंडअलोन सीक्वल है। फिल्म में रागो लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु, सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु, सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंडअलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु, सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु, सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी
वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिससे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया
किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिससे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी।
बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिससे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सिक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिससे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने
हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत
और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं।
वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सिक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। कोई बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा
लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सीक्वल है। फिल्म में रागो लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिससे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु
सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि
अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और थोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और
छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभास्करन अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में
रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आरडी राजशेखर और थोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है।
राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंडअलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और ठोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है।
बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में रागो लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु, सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सिक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और ठोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को
बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन
सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु, सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और थोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु, सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु, सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं।
यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमाटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिससे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभास्करन अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और
संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिससे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर एम किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। हुई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंडअलोन सीक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि वडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आर डी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ।
मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है। वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। चंद्रमुखी 2 एक अपकमिंग तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो पी वासु द्वारा लिखित और निर्देशित है और लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाषकरण अली राजा द्वारा निर्मित है। चंद्रमुखी 2 चंद्रमुखी 2005 का स्टैंड अलोन सिक्वल है। फिल्म में राघव लॉरेंस और कंगना रनौत है, जबकि उडिवेलु सृष्टि डांगे और लक्ष्मी मेनन सहायक भूमिकाओं में है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, उडिवेलु सृष्टि डांगे, लक्ष्मी मेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में पी वासु ने कहा कि उन्होंने चंद्रमुखी के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और एक निर्माता फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। यह बताया गया था कि राघव लॉरेंस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसकी पुष्टि अप्रैल में उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से की थी, जहां यह भी कहा गया था कि फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया गया है। जून 2022 में राघव ने घोषणा की कि लाइका प्रोडक्शन फिल्म का निर्माण कर रहा है। वडिवेलु कास्टिंग और संपादन में शामिल हो गए। सिनेमेटोग्राफी और कला कार्यों को अंतनी आरडी राजशेखर और छोटाम थरानी द्वारा संभाला जाएगा। नवंबर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कंगना रनौत की घोषणा की गई थी। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2022 में मैसूर में शुरू हुई और पहला शेड्यूल अगस्त में पूरा हुआ। मार्च 2023 में कंगना एक क्लाइमैक्स गीत की शूटिंग के लिए टीम में शामिल हुई, जिसे वह जनवरी में रिहर्सल करते हुए देखा गया था और उसी महीने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। राधिका ने मई में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। जून में टीम ने घोषणा की कि 3 साल तक उत्पादन में रहने के बाद शूटिंग पूरी हो गई है।
वही बात करें मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो जून में टीम ने घोषणा की कि फिल्म गणेश चतुर्थी पर रिलीज हो रही है। राघव ने जुलाई में अपने हिस्से की डबिंग शुरू की है। वही बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर M.M. किरवानी द्वारा रचित है और यह 22 वर्षों के बाद उनकी पहली तमिल फिल्म है। उनकी आखिरी तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 थी। चंद्रमुखी 2 वासु और राघव के साथ उनका पहला सहयोग भी है। बाद में प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी मूवीज इंडिया को मिल गए हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो चंद्रमुखी 2 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्क एंटनी के साथ रिलीज होने वाली है। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहाँ पर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे गए, सैटेलाइट अधिकार सन टीवी को बेचे गए हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।